हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसा इफेक्टिव हेयर मास्क शेयर कर रही हूँ जो कि आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। आपके बाल अगर बढ़ नहीं रहे हैं या फिर आपके बाल एक जगह पे आके रुक गए हैं, उसके आगे लंबे नहीं हो रहे हैं, या फिर आपके बाल गिरते बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आपके बाल में गंजापन हो गया है, बॉन्डनेस हो गई है, नए बाल की ग्रोथ नहीं होती, तो ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ एक हेयर मास्क से दूर हो सकती हैं। और ये हेयर मास्क आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, मैन हो या वुमेन। और आप कितनी भी आपकी एज है, आप यूज़ कर सकते हैं। 12 के अबव लोग इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि हेयर मास्क क्या है और इसे कैसे यूज़ करना है। पर उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की आपको अपडेट मिल सके। इस रेमेडी के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए मेथी दाना, जो कि एक बहुत ही बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है बालों के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और बालों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो मैं यहाँ 2 टीस्पून मेथी दाना ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ब्लैक सीड यानी कि कलौंजी। मेथी दाना और कलौंजी साथ में बहुत अच्छा वर्क करते हैं बालों को ग्रो करने के लिए, बालों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो 2 टीस्पून के करीब ही मैंने यहाँ पर कलौंजी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको भिगा देंगे। 24 घंटे इसको भिगो के रखना है, उसके बाद इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। तो ये 24 आवर्स के लिए अच्छे से सोक हो चुका है। अब इसको हम लोग ग्राइंडर में डाल के इसका स्मूथ पेस्ट फॉर्म कर लेंगे। इसको मिक्सर में डाल के मैंने पीस लिया है अच्छे से। अब इसको बाउल में निकाल लेंगे। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो 1 चम्मच भर के इसमें दही ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये रेमेडी बनके तैयार है। इसको आपको अपने पूरे स्कैल्प पे अप्लाई कर लेना है इस तरह से। जैसे हम लोग कोई भी हेयर मास्क अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आधे घंटे का वेट करें, उसके बाद आपने बालों को नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लें। सो गाइज, इस हेयर मास्क को आपको वीक में 2 बार अप्लाई करना है और उसके बाद आप नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर जैसे चाहे आप इसे वॉश कर सकते हैं। सिर्फ पानी से भी चाहे तो आप इसे वॉश कर सकते हैं, लेकिन शैम्पू से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। 2 बार में ही आप देखेंगे आपके हेयर फॉल काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, आपके नए बालों की ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगी। इसको आप यूज़ करें लगातार जब तक आपको डिज़ायर रिजल्ट्स ना मिलें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे किसी भी हेल्पफुल वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।